आज ही के दिन यानी 23 जुलाई 1906 को भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा में हुआ था। उनके बचपन का नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। उनको अपने बेखौफ अंदाज तथा अंग्रेजों के हाथों कभी भी जीवित गिरफ्तार न होने की अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद केवल 14 वर्ष के थे जब उन्होंने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस आंदोलन में भाग लेने पर अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो जज ने उनसे उनके तथा उनके पिता के नाम के बारे में सवाल किया तो जवाब में चंद्रशेखर ने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और पता कारावास है। इसी घटना के बाद से उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे जिन्होंने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया। वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से एक थे। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अचानक बंद करने की घोषणा की, उस समय उनकी विचारधारा में बदलाव आया। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने झांसी के पास एक मंदिर में 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी गुफा बनाई थी जहाँ वे सन्यासी के भेष में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेजों को उनके इस गुप्त ठिकाने के बारे में पता चला तो वे स्त्री का वेश बनाकर अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रहे। उनकी अंतिम मुठभेड़ के बारे में सर्वविदित है कि इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ओर से लंबे समय तक मुठभेड़ चलती रही। चंद्रशेखर आज़ाद एक पेड़ की ओट से पुलिस से बचने के लिए गोलियां चलाते रहे। अपने पास गोलियां समाप्त होते देख उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अंग्रेजों के हाथ कभी भी जीवित गिरफ्तार नहीं होने की अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हुए अंतिम कारतूस से स्वयं को गोली मार ली। इलाहाबाद के पार्क में उनका निधन हो गया। उस पार्क को स्वतंत्रता के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क उसका नाम रखा गया। मध्य प्रदेश के जिस गांव में वो रह रहे थे उसका नाम धीमारपुरा से बदलकर आज़ादपुरा रखा गया।